मगर वो विद्या केवल मठ संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास थी, उसके पास और कहीं गई नहीं। जो देवताओं के गुरु थे, देवता गुरु बृहस्पति थे, देवताओं के गुरु शुक्राचार्य थे, कोई अलग बात। और ये कृत्या या यक्षिणी साधना कि आप जो चाहे वह जीवन में मिले और हरदम ऐसा रहता जो हमारे पास रहे और जो काम कहूं वह करे, ये गुरुनाथ के पास विद्या और यह अद्भुत विद्या। इस विद्या का मैंने जीवन उपयोग किया है, उसके फोटोग्राफ मेरे पास हैं। जब हिमालय में रहा तो मेरे पास कभी 2,000 शिष्य थे, कभी 3,000 रहे, कभी 5,000 रहे, कभी 4,000 रहे, कभी 10,000 भी हुए। उन 10,000 का उन हिमालय में, यदि आप भी आज मानसरोवर गए हो, आप में से कोई या गया हो या किताब पढ़े, उसमें निखिलेश्वरानंद धाम लिखा हुआ है बीच में चीन के बॉर्डर पर। अब चीन हो गया, जहाँ भारत और चीन के बॉर्डर है, उस भारत के बॉर्डर में चीन के बॉर्डर से कम 500 गज पहले एक निखिलेश्वरानंद धाम है वहां। और आज भी जो भी मानसरोवर जाता है वहां गर्म खिचड़ी मिलती है, ओढ़ने को कंबल मिलते हैं। जब तक मानसरोवर जाते हैं कंबल उनको दे देते हैं, वापिस जब आते हैं तो उनको कंबल लेते हैं, तो रास्ता वही है। आज भी वहां उनको गर्म और याक, वहां गायें होती नहीं, याक का दूध आज भी उनको पीने को मिलता है। और वहां पर बैठ करके साधना की थी, वह जो वैताल साधना जो की थी वो वहां की थी मैंने, क्योंकि वह स्थान की दृष्टि से उपयुक्त था और गोरखनाथ को सामने स्पष्ट करके साधना की थी। जैसे एक लव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके साधना संपन्न की, मूर्ति बनाई। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता, ये दोनों विद्या तुम्हें सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य में कपट था, धूर्तता थी, एक मक्कारी थी। और उसने कहा कि अगर मैं एक लव्य को सिखा दिया तो अर्जुन सेकंड में आ जाएगा वेद में, अर्जुन को श्रेष्ठ रखना चाहता हूं। और उसके लिए एक लव्य ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं और आप मुझे ज्ञान दीजिए, दोनों विद्या सिखाइए, मैं भील हूं। उसने कहा कि तुम योग्य नहीं। तब कहीं कुत्ता भौंका, कुत्ता भौंका तो एक लव्य ने तीर उठाए और 11 तीर एक साथ फेंके तो कुत्ते के मुंह में 11 तीर एक साथ चले गए। उसने कहा और कोई परीक्षा देनी हो तो आप देख लीजिए, अब कुत्ता बोल नहीं सकता, आप क्या चाहते हैं, द्रोणाचार्य अलाप रहे। उसने कहा बिना गुरु बने अगर ये सिद्धि है तो ये तो अर्जुन को तो समाप्त कर देगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा तुमने सीखा कैसे, एक साथ 11 तीर चलाना और एक साथ अचूक निशाना मुंह में जाना, कुत्ता मरे भी नहीं और मुंह बंद हो जाए, ये तुमने कहां से सीखी। गुरुदेव आप ही सीखी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तो फिर आग में मरी नहीं देखा, मगर आपकी मूर्ति मेरे घर में है, मेरे आश्रम में है, मेरे स्थान पर है, मैंने आपको गुरु मान करके चीज सीखी है, क्योंकि आप विद्या के क्षेत्र में गुरु हैं। और उसका पाप उसने कहा कि ठीक, अगर ये तुम्हें गुरु दक्षिण ला, यहां इन्होंने कपट किया, आप गुरु हैं, आप जीवन मांगिए, चीज क्या मांग रहे हैं, आप मांगिए मैं कटार भाव के आपको जीवन दू, मैं शिष्य हूं आपका, आप आज्ञा दीजिए, अपने आपको बेच करके भी मैं आपकी पूरी करूंगा। तुमने कहा तुम अंगूठा ले, तो बिना अंगूठे से तीर चल नहीं सकता, अंगूठा तो लगेगा ही, खेलते गए अरे उंगली यूज नहीं कर सकता, तो मैं अंगूठा दे देता हूं। तो बस उठाया धड़ाम खेलता ये अंगूठे से, और आज ये तीर अंगूठे से तीर नहीं चलाते हैं, उंगली से तीर चलाते हैं। तुमने कहा गुरुदेव मैं समझ रहा हूं कि आपने मेरा अंगूठा मांगा है और मैंने सहस दिया है, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, मगर आज मूर्ति मिट्टी की मूर्ति बना करके रखी है, मैं इंद्र विद्या में पारणक होकर दिखाऊंगा और मैं इसकी श्रेष्ठतम विद्या ज्ञान प्राप्त करूंगा, और इसका जो गलत काम किया गुरु ने उसका पाप उनको योग भोगना पड़ा कि महाभारत युद्ध में उनको अपना सिर कटाना पड़ा, द्रोणाचार्य एक राजे ने उनका सिर काटा। जब उनको बताया गया क्या सब था महाता नरोगा कुंजरोगा, और द्रोणाचार्य जैसा उस दिन उसका तूफान मचा दिया महाभारत में, जो भी सामने आया मार दिया। कृष्ण ने कहा कि आज एक भी पांडव बच नहीं सकता अर्जुन, आज द्रोणाचार्य बहुत तेज जोश में, आज तुम नहीं बच पाओगे अर्जुन, तुम तो मामूली चीज हो, तुम्हारे गुरु तुम्हारे सामने है और द्रोणाचार्य तुम बचेंगे, एक भी चीज नहीं बचेगी, पांचों पांडव आज मर जाएंगे,
अर्जुन का महाराज प्रश्न आज कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा कि द्रोणाचार्य के वेग को हम नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, उनका वेग आज तूफान है, अंधकार है, अंधेर है, इनकी जिस जल से बह रहे हैं उसके चारों तरफ जहां बढ़ रहे हैं उस तरफ पांडव समाप्त होते जा रहे हैं। और उसमें उनका पुत्र अश्वत्थामा था और जो थे अश्वत्थामा हाथी का नाम भी था एक, और कृष्ण ने संकेत किया भीम को कि ये सामने जो आ रहा है क्या है। उसने कहा अश्वत्थामा, उसने कहा अश्वत्थामा, कृष्ण से एक कूर्ति दिखी दी और उसने गदा फेंकी और अश्वत्थामा खत्म हो गया वह हाथी, और लोग चलाया अश्वत्थामा अश्वत्थामा मारा गया, मेरे अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया, और दुर्योधन का जिस दिन मेरा पुत्र मर जाएगा उस दिन युद्ध नहीं करूंगा। द्रोणाचार्य ने सुना और उसने कहा कि अश्वत्थामा मर कैसे गए, मैंने विद्या सिखाई है। और वो उसने कहा कि साथ ही साथ देकर के चलिए और युधिष्ठ के पास धर्मराज के पास जाइए, वहां मुझे कंफर्म होगा। फिर वो कहीं युद्ध महाभारत बड़ा युद्ध हो रहा था, कृष्ण ने कहा कि धर्मराज आपको आज बोलना पड़ेगा, तुम अशुद्ध नहीं बोल रहे हो, अश्वत्थामा का अश्वत्थामा को मारा है, अब मारा है अश्वत्थामा को मारा है, क्या आपके नाम अश्वत्थामा बोलना पड़ेगा, आज आप और हम कुछ बचेंगे नहीं क्योंकि उनको वैताल सिद्धि प्राप्त है और ये वैताल के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं, द्रोणाचार्य में ताकत नहीं है, वो हमें ज्ञान तुम्हें नहीं दिया इन्होंने और वो वैताल समाप्त करता जा रहा है। तो उसने कहा धर्मराज क्या अश्वत्थामा समाप्त हो गया, मैं अर्जुन की बात तो नहीं मान रहा हूं, मैं और किसी की बात नहीं मानता हूं, तुम मुझे बताओ कि वास्तविकता क्या है। धर्मराज जोर से बोला अश्वत्थामा आता है, फिर धीरे से बोला नरो होगा, हाथी था या मनुष्य था ये मैं नहीं कह सकता, असर था वहां पर। और द्रोणाचार्य ने तीर उठा के धनुष उठा के नीचे रख दिया, अपना मुकुट उतार के नीचे रख दिया, एकदम से हाहाकार मच गया और एक राजा उठा विराट का राजा और उसने सिर काटते राम द्रोणाचार्य, और नहीं काटते पांडव नहीं बच सकते थे, मगर वह द्रोणाचार्य ने वहां जो छल किया था उस छल का फल उनको भुगतना पड़ा हुआ है। आप झूठ छल करेंगे मिट नहीं सकता। और वैताल ने कहा कि और मरते मरते द्रोणाचार्य ने कहा कि वैताल ये कैसे हो गया, उनका महाराज आपने छल किया, मैं तो आपके साथ में था मगर फिर भी मैं आप शिव को लेके जा रहा हूं, उनका शिव और शरीर मिला नहीं, वैताल उनको लेके गया, मैं जीवन पर्यंत वैताल उनके साथ में रहा, उनका कार्य किया, असंभव से असंभव कार्य किया, और वह वैताल शिक्षा दीक्षा उन पांडवों को या कौरवों को नहीं दी द्रोणाचार्य ने, एक चीज अपने पास छुपा करके रखी, और वो महाभारत के लाखों पांडवों को समाप्त एक दिन में, और एक दिन नहीं आधे दिन में समाप्त कर देना, और वैताल का काम था, द्रोणाचार्य का काम नहीं था वो, क्योंकि वैताल के माध्यम से असंभव को संभव किया जा सकता है जो असंभव हो। यह जो वैद्यनाथ का मंदिर है बिहार में, वैद्यनाथ का मंदिर एक योगी ने वैताल के सहारे से लाकर स्थापन किया है, अगर रावण ने यहां स्थापन किया वैद्यनाथ को तो उनको वैताल सिद्धि रावण को ज्ञात थी, रावण के बाद ही वैताल सिद्धि समाप्त हो गई, वह शंकराचार्य था। एक लंबी कहानी है कि कैलाश पर्वत से उठा के लाना और फिर वहां रख देना, यह मजबूरी थी रावण की, यह सिर्फ की एक चतुर्था थी, और वैद्यनाथ कह रहा है क्योंकि वहां जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा थी, अगर बिहार में आप जाए तो वैद्यनाथ द्वारा ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग थे, वह वैताल सिद्धि के माध्यम से पूरे कैलाश पर्वत को उठा करके ले आया, जिसने कहा मैं रावण कुमार साथ नहीं चलूंगा, उसने कहा आप मैं कैलाश पर्वत को उठा के ले चलाऊंगा, तो तुम्हें ताकत है, मुझे ताकत है क्योंकि मैंने वैताल सिद्धि प्राप्त की है, बोल मां भगवान की चुप रहे मौन रहे, कोई तामने तारा नहीं, और उसे पूरे पहाड़ को कैलाश को उठा करके लाके खड़ा कर दिया, रख दिया, हनुमान को सिद्धि प्राप्त की और पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठा करके ले आए, ये कौन सी जड़ी बूटी संजीवनी हमें मालूम नहीं राम, आप देख लीजिए इसमें से जड़ी बूटी आप निकाल लीजिए, इस पहाड़ को उठा के ले आए, जो असंभव काम हो वह जीवन में जीतना सफल होना और कोई सहायक होना ये जरूरी, ये सहायक केवल वैताल साधना के माध्यम संभव है, क्योंकि भूत साधना भी करते हैं, भूत भी सहायक होते हैं,
फ्रेंड भी सहायक होते हैं, आप बुजुर्गों के प्रश्न को नौकर को रखते हैं, वैसे बुजुर्गों में नौकर रखिए, नौकर फिर भी धोखा दे सकता है, भूत आपको धोखा नहीं दे सकता, वो आपको बराबर सहायता करेगा। और इस होली का समय कई भूत साधना करते हैं, भूत को सिद्ध करते हैं। जब मैं बड़ा लंबा समय हो जाएगा, जब मुझे भूत साधना करनी पड़ी शमशान में रहते हुए, तो एक बावड़ी थी, बावड़ी कहते हैं कि सीढ़ियां थी बहुत ज्यादा, फिर अंदर पानी होता है, यहाँ पर बावड़ियां, पहले बावड़ियां खुदाते थे, ताला होते थे, कुएं होते थे, बावड़ियां होती थी, बावड़ियां का मतलब बहुत गहरे में पानी होता था और सीढ़ियां होती थी, कुएं में पानी छूटे जाता है, उसमें उतरा जाता है। उस बावड़ी में मैं रोज सुबह 3 बजे स्नान करने चला जाता था और उसमें भूत साधना कर रहा था, भूत को सिद्ध करना यानी भूत को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। आतंका देकर नौकर को नियंत्रण करते हैं, उस भूत को नियंत्रण करने का मतलब है कि वो हमारा काम करे। और उसमें जाता था 3 बजे सोता, तो बावड़ी के पेट नीचे की सीढ़ियों पर 3-4 सीढ़ियों ऊपर एक आदमी चादर ओढ़े हुए सोया हुआ। तो मैंने सोचा कोई साधु होगा सोया होगा, जंगल का समय, जंगल की स्थान, मैं उसके पास में से स्नान के मुझे नीचे उतरा। मैं समझा 4 बज गए, उसमें बचे थे 1:30 बजे थी, और 4 बजे के बाद में भूत वगैरह कम दिखाई देते हैं। तो जो ही मैं उसके पास निकला, वो उठा एकदम से मेरे सिर पर जैसे मारना हो, ये कैसे हो गया, शरीर में ताकत था, अदृष्ट था, ऐसा कमजोर नहीं था। और सन्यासियों के शरीर अष्टपुष्ट होते ही न कोई चिंता न फिक्र, कोई टेंस जैसा कोई चीज है ही, बाद में बना टेंशन खाया पिया हुआ, तुम्हारी जो राब अच्छा था, भीख मांग के दिया कटोल रहा, अरे घी लाता ही नहीं लाता, दूध मक्खन दिला बस, तुम्हारा बस अच्छा मक्खन खाना, छाछ रात भोजन रात आरम्भ, बस पहले घी पी लीजिए, ऊपर ढक्कन देने के लिए 1/2 रोटी खा लीजिए, घी बाद में निकल। यही पहला आपको भी यही सलाह दे रहा हूँ, 1 रोटी लास्ट में खानी चाहिए, जिसे घी कहीं बात करके नहीं वापस। और कहां से आएगा तो मेरी वाइफ जाए, ये आपको चिंता करनी होती, मगर मैं वैसा साधन करवा रहा हूँ संतान से। तो भूत एकदम से लिपटा तो युद्ध हुआ, और वह सीढ़ियों पर, मैं भी नंगे बनी था, एक छाला लपेटा हुआ, तो 3 बार मुझे सीढ़ियों पर पटकता, 1 बार मैं भी उसको पटकता, और 3 बार पटकते ही सारी हड्डियां एकदम से मरा ताकत से पटकता और सीढ़ियां। आधे घंटे तक युद्ध इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा होता रहा, क्योंकि मैं उसको कंट्रोल करना चाहता, उसकी चोटी हाथ में आ जाए, और अपनी चोटी को बचाने के लिए मुझे गिरा था। फिर क्षण ऐसा आया कि 2 बार हुआ मुझे गिरा था, 1 बार में गिरा था। फिर करीब 3:30 बजे एक ऐसा समय आया कि 1 बार हुआ, 1 बार, 4 बजे आखिर उसको 3 या 4 बार पटका और 1 बार में पटका, फिर 4 बार 5 बार पटका, और फिर उसकी चोटी हाथ में आ गई। उसने एकदम से कहा कि अब क्या चाहते, अब क्या चाहो सर, हड्डियां दूर दूर कर दी, 1.5 घंटे तक तुमसे युद्ध करता रहा, चाहूं कि अब ये चाहूंगा कि तुम मेरे कंट्रोल में रहेगा और कुछ नहीं चाहूंगा, ये साधना वादना हो गई पूरी, और जोर से खेलता और चोटी हाथ में आ गई। उसने कहा मैं आपसे वचनबद्ध होना चाहता हूं, मैं वचनबद्ध ये कि तुम 5 साल मेरे वश में रहोगे, 5 साल जो मैं आज्ञा दूंगा तुम काम करोगे। उसने कहा मैं आज्ञा पालन करूंगा, मैं ये मंत्र बोलूंगा तुम्हें आना पड़ेगा तो मैं आऊंगा। जो 2-3 वचन देते हैं वो साधना में लिए, और मैं डुबकी लगाई, स्नान किया, और फिर आकर 5 साल तक वह जो भी कार्य सौंपा उसने किया। और फिर साथ पास में गांव था, और एक बहुत अच्छे भले ब्राह्मण थे, उनके घर गया, उनके क्या हुआ आप बहुत छिल गए, उसने कहा तो अल्दीन दूध डाल के पिला होने लगे, बाकी छोड़। तो महीने भर तक दूध अल्दीन डाल डाल के पीता रहा, तब आपकी हड्डियां ठीक ठाक हुई, मुझे भूत को कंट्रोल तो किया ही, 5 साल तक उसको भी पूरी जिंदगी का नाम बचाया, छोड़ा एक नहीं, कोई काम नहीं है तो तुम तो किला ही नहीं जा, या पेड़ पे चढ़ नीचे उतर, पेड़ पे चढ़ उतर, क्योंकि जो ही काम का किला आगे काम बताता हूँ, काम को सौंपना पड़ता है, खाली भूत बैठ नहीं सकता, और काम को रजाया लेकर, रजाया ले जाएगा जाएगा, और बोलिए चादर लिया, चादर ले आएगा, कहीं से चोर करके ले आएगा, मीठे के डब्बे ले आ तो मीठे की दुकान से उठा के ले आएगा, मीठे दुकान से डब्बे तो थे भी डिब्बे दिखाई नहीं रहे, रोता रहेगा अपन मीठे खाते रहेंगे, हमारे फिर से खाते हम खाते, वो झींकर वो झींकर, मैं चिंता करता भी नहीं सुनिया नहीं, उसको यही कहता है सारे दूसरे गुरुओं के जो सुनिया थे रात को ठिठुरते, हमारे दो दो कम्बल रजाइया ओढ़ के सोते,
मैं किसी दौड़ दौड़ के मेरे पास आते मुझे आपको गुरु बनना चाहता हूँ मुझे ही बोलना है राजा मुझे क्या लगती है वो आश्रम खाली हो जाता है वो गुरु गाली देता तो निकल स्वामी सत्यानाश हो गया तो मेरे साथ सिस्टम को ले गया मैं ले जा नहीं रहा हूँ मैं तो इनको ले जाने का अलवा खिला रहा हूँ शाम करता तो मिठाई खिले जा भैया अब ये नहीं कहाँ से रहना है बम्बई से ला कहीं से ला ला रहे हैं खिलाने किया सन्यासम ये भी किया और फिर उसका प्रायश्चित करने के लिए उसका दुकानदार का जो है जन्म वो भी पड़ा कि वापस उनकी गुंडों को इतने पैसे चले जाकर वो लिखी है खैर लंबी कहानी है और गुरु तो प्रेत पिशाच से भी ऊपर एक बैताल होता है और आप उनको जिसकी कहानी सुनी तो बैताल की भी कहानी सुनी होगी और उसको गोरखनाथ से उन्होंने बैताल दीक्षा ली बैताल साधना सिद्ध की और उनके पास महीने भर रहा उनके चरण दबाए और गोरखनाथ में पहली बार विक्रमादित्य को उस बैताल साधना को दी बैताल सिद्धि को दी क्योंकि वह जीवन में जीवन